सर्द बर्फ की चादर लपेटे हुए, खूबसूरती का लिबास पहने हुए भारत के 13 पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक, जहां ब्यास अंगड़ाई लेती है तो धरती सेब सी लाल हो उठती है। लदर, वुड, पश्मीना जहां की कला है तो आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग, राफ्ट वहां के खेलों की जान। आज बात हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का आर्ट पहरी पेंटिंग्स। पहरी पेंटिंग्स का इतिहास बहुत पुराना है, जो श्रीनगर से लेकर के गढ़वाल तक अपनी छाप रखता है। पहरी पहाड़ों के संदर्भ में कहा हुआ शब्द है। पहरी आर्ट के अंतर नजाकत और खूबसूरती के साथ साथ मिनिएचर वर्क पे काम किया जाता है, जिसमें थोड़ी मुगल छाप भी है। पहरी आर्ट अपने अलग अलग स्कूल फॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जिसमें गुलेर, चंबा, बिलासपुर, मंडी सभी स्कूलों की बात होती है। यहाँ पे नेचुरल कलर्स और खासकर ग्रीन शेड्स को डिफरेंट फॉर्म में दिखाया जाता है। पहरी आर्ट में अगर गुलेर आर्ट की बात करें हम, तो इसमें डेलिकेसी, नज़ाकत पे ध्यान दिया जाता है, और अगर हम उसमें चंबा आर्ट की बात करें तो उसमें फेमिनिन डोमिनेट बताया जाता है। ये आर्ट अपने आप में ढेरों ढेरों कहानियाँ, इतिहास समेटे हुए हैं, नज़ाकत समेटे हुए हैं, बारीकियाँ समेटे हुए हैं। इन आर्ट के अंदर ज़्यादातर कृष्ण और राधा के दृश्य दिखाए जाते हैं, उनके मिलन के, उनके त्योहारों के रंग दिखाए जाते हैं। आप अगर पहाड़ों की सैर पे निकलें तो एक बार इन आर्ट से रूबरू ज़रूर होइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार आर्टिस्ट पे फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।